दूसरा पूर्वाधिकार अंश यानी प्रिफरेंस शेयर। पूर्वाधिकार अंशों से तात्पर्य उन अंशों से है जिनमें अंशधारी को कंपनी में पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। अब यहाँ पे पूर्वाधिकार का मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी है उस कंपनी में प्रॉफिट्स होता है तो उस प्रॉफिट्स को जब हम डिविडेंड के रूप में यानी लाभांश के रूप में शेयर होल्डर्स के बीच में जब बांटेंगे तो जो हमारे पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं उनको सबसे पहले पैसा दिया जाएगा। किससे? जो हमारे संतानधारी होते हैं उनसे पहले पैसा दिया जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश, इसलिए इसको हम पूर्वाधिकार कहते हैं, यानी इन शेयर होल्डर्स को पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। और यहाँ पे एक और कंडीशन आता है कि जब कभी भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है यानी कंपनी का समापन होता है, तो जब कंपनी के एसेट्स को बेचा जाता है और कंपनी के लायबिलिटीज को सेटअप किया जाता है तो उस समय भी सबसे पहले पैसा हम क्या करते हैं? अपने प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं संतानों से पहले, संतानधारियों से पहले। पूर्वाधिकार अंशों पर प्राप्त पूर्वाधिकार दो स्थितियों में प्राप्त हो सकता है। पहला, लाभांश वितरण में, यानी जब कभी भी लाभांश दिया जाएगा तब। दूसरा, कंपनी समापन के समय पूंजी के वितरण पर। पूर्वाधिकार अंशधारियों को किसी भी प्रकार से कंपनी की सभाओं में वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। अब जो स्थितियां मैंने बताई उसको मैंने अर्थ समझाते ही आपको बता दी हैं। अब देखते हैं पूर्वाधिकार अंशों के लाभ। पहला, जोखिम से रक्षा, क्योंकि इनको सबसे पहले लाभांश दे दिया जाता है तो कोई जोखिम होते ही नहीं है। लोचकता, कुछ ऐसे प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पैसे को हम एक निश्चित समय के बाद दे देते हैं, इसलिए इसमें लोचकता बनी रहती है। तीसरा, प्रबंध में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं, यानी जो हमारे प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास ये राइट्स नहीं होता है कि वो क्या कर सकें, वोटिंग कर सकें। और जब वो वोटिंग नहीं कर सकेंगे, कंपनी के मीटिंग्स में नहीं जाके बैठ सकेंगे, तो क्या करेंगे, वो किसी तरीके से मैनेजमेंट में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। चौथा, लाभ पर दबाव नहीं, यानी जितना इनको पहले से डिसाइड होता है कि कितना इनको लाभांश देना है उतना ही इनको मिलता है। यानी अगर कोई प्रेफरेंस होल्डर्स हैं उनको 12% या 10% या 8% ही इंटरेस्ट दिया जाना है यानी लाभांश दिया जाना है तो उनको उतना ही दिया जाएगा, चाहे कंपनी का प्रॉफिट्स 5 लाख रुपए आए या 5 रुपए आए या कंपनी का प्रॉफिट्स 5 करोड़ रुपए आए, उससे मतलब नहीं होता है। जितना इनको पहले से डिसाइड होता है उतना ही प्रॉफिट्स को हम देते हैं, लाभांश देते हैं। इसलिए हमारी कंपनी के लाभ पर किसी भी तरीके से कोई भी दबाव नहीं आता है। पांचवा, संपत्ति पर दबाव नहीं, क्योंकि इनको पैसे हम लाभांश के रूप में देते हैं और लाभांश कब दिया जाता है, जब कभी कंपनी का प्रॉफिट होता है तभी लाभांश दिया जाता है। और इसमें भी डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि लाभांश किसको कितना दिया जाना है। तो जब कभी भी कंपनी का प्रॉफिट नहीं होता है तो इनको क्या करेंगे, हम लाभांश नहीं देंगे तो ये किसी भी तरीके से हमारे ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे कि आप हमें एसेट को दे करके या बेच करके किसी तरीके से उसको रियलाइज करके हमको पैसा दीजिए। लेकिन जबकि जो हमारे डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, जो हमारे बैंक लेंडर्स होते हैं, जिन्हें जिस तरीके से हमने डिवेंचर होल्डर्स या बैंकों से कर्जा लिया होता है, तो हमारे बैंक और डिवेंचर होल्डर्स क्या कर सकते हैं, हमारे ऊपर दबाव बना सकते हैं कि भाई तुमने डिसाइड किया था कि ईयरली या मंथली मेरे को देना है, इंटरेस्ट देनी है, तो अगर आप नहीं दे पाएंगे कंपनी वाले तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपने एसेट्स को बेच करके बैंकों का लोन और जो हमारे डिवेंचर होल्डर्स हैं, जो कर्जदार हम बने हुए हैं डिवेंचर होल्डर्स के, ऋण पत्र धारियों के, उनके पैसे को हमें लौटाना पड़ेगा एक निश्चित समय में। और हमारे जो प्रिफरेंस होल्डर्स हैं उनको पैसा हमको लौटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नियमित लाभांश, जितना इनका लाभांश सेट होता है पहले से, हमको इनको उतना ही केवल देना पड़ता है, उससे ज़्यादा हमको नहीं देना होता है इनको लाभांश। अब हम देखते हैं पूर्वाधिकार अंशों की सीमाएं, यानी पूर्वाधिकार अंश जो हैं उनकी कौन कौन सी कमियां हैं, उनमें कौन कौन सी कमियां हैं यदि हम पूर्वाधिकार अंश लेते हैं तो, और जिसको हम इंग्लिश में लिमिटेशन या डिसएडवांटेज के नाम से भी जानते हैं। पहला, महंगा। दूसरा, कानूनी अड़चने। तीसरा, स्थायी बोझ, यानी जब कभी भी हम क्या करते हैं कंपनी में प्रिफरेंस होल्डर्स को इन्वाइट करते हैं तो वो हमारे ऊपर किसी ना किसी तरीके से स्थायी बोझ बढ़ जाती है। चौथा, वोट का अधिकार नहीं, ये भी शेयर होल्डर्स ही हैं
लेकिन इनको वोटिंग का अधिकार नहीं होता, इसलिए मैनेजमेंट में ये किसी तरीके से दखल नहीं दे सकते हैं। हालांकि जो कंपनी के नियम एवं कानून हैं उनको देख करके ये कंपनी में इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से वोटिंग्स में ये भाग नहीं ले सकते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट में ये हिस्सा नहीं ले सकते हैं। पांचवा, पूंजी अधिमूल्यन नहीं। यानी कहने का मतलब है कि अगर जो भी प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी में पैसा जब लगाएंगे, तो जब वो कंपनी उनको पैसा देगी तो किसी भी तरीके से उनकी पूंजी में बढ़ोतरी नहीं होती है। यानी अगर आपने 5 लाख रुपए लगाए हैं एज ए प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स, तो जब आप कंपनी आपको पैसे देगी, यानी एक निश्चित समय के बाद से, यानी 20 साल के बाद से या 25 साल के बाद से, तो उस समय आपको वो 5 लाख रुपए ही देगी। ऐसा नहीं है कि आपको वो इंटरेस्ट लगा करके 15 लाख या 20 लाख रुपए देगी। हालांकि आपको लाभांश हर साल मिलेंगे कंपनी के प्रॉफिट से या डिविडेंड से। छठवां, लाभांश पर अस्थायी रूप से कोई गारंटी नहीं होती है। यानी जो हमारा लाभांश है हमें हर साल मिलना है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि अगर कंपनी का प्रॉफिट आएगा तभी कंपनी हमको लाभांश अलॉट करेगी। और उसमें भी जो कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, उसमें हमारे जो डायरेक्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कितना लाभांश दिया जाना है और दिया भी जाना है कि नहीं दिया जाना है। इसकी चर्चा जब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ेंगे तब वहाँ पर पढ़ लेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों की चर्चा करेंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।